हिमाचल प्रदेश में वन रक्षकों के कुल 311 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के तहत वन वृत्त हमीरपुर में वन रक्षकों के 37 पदों के लिए मैदानी परीक्षा 21 सितंबर से शुरू हो गई। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों का पालन करने के लिए भी सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्य अरण्यपाल हमीरपुर वृत्त प्रदीप ठाकुर ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मैदानी परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि हमीरपुर वन वृत्त में 37 वन रक्षकों के पदों के लिए मैदानी परीक्षा 21 सितंबर से 12 अक्टूबर तक राजकीय भौतिकी संस्थान बड़ू के मैदान में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में हमीरपुर जिला, ऊना जिला व कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल के लगभग 18,000 युवा अपना भाग्य आजमाएंगे। सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने प्रतिदिन लगभग 925 युवाओं को टेस्ट के लिए आमंत्रित किया है ताकि ज्यादा भीड़ ना हो। हिमाचल प्रदेश वन विभाग में इस बार 311 पोस्ट वन रक्षक जो है उनके रिक्रूटमेंट की जा रही है और जहाँ तक हमीरपुर सर्किल की बात है यहाँ पे 37 पोस्टों की रिक्रूटमेंट जो है वो होगी और इसका शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है। अभी हमीरपुर सर्किल में 18,163 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है 37 पोस्टों का और उसमें मेयर कैंडिडेट्स 14,796 और फीमेल 3,367 कैंडिडेट फीमेल हैं, इन्होंने अप्लाई किया है। फिजिकल सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा जिसका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। कैंडिडेट्स को उनके एडमिट कार्ड जो हैं डेट वाइज वो भेज दिए गए हैं और 21 सितंबर से फिजिकल टेस्ट जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ू में शुरू हो रहे हैं और ये टेस्ट जो हैं वो 12 अक्टूबर तक चलेंगे। हर दिन हमने 925 कैंडिडेट के करीब उनको कॉल किया है और उनका जो फिजिकल टेस्ट है जिसमें मेजरमेंट है 100 मीटर रेस है, उसके बाद लॉन्ग जंप है, ब्रॉड जंप और 800 मीटर रेस है, ये इवेंट्स होंगे जो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्च ही हैं उसके। तो उसकी जो ग्राउंड की, क्योंकि बरसात के बाद ग्राउंड की हालत काफ़ी ख़राब थी लेकिन वो हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने ग्राउंड ठीक हाथ में कर दिया है और सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। इन टेस्टों को कंडक्ट करने के लिए हमने 15 कमेटी जो है उनका गठन किया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स जो अथॉरिटीज़ हैं और हायर एजुकेशन के जो स्पोर्ट्स के ऑफिसर्स हैं, कोचेज़ हैं, उनको भी डिप्यूट किया है। इसमें लगभग 14 जो ये एक्सपर्ट्स हैं, कोचेज़ और PET, इनकी सर्विस हम लेंगे। ठाकुर ने बताया कि विभाग ने मैदान परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की संख्या को प्रतिदिन के हिसाब से रखा गया है ताकि अधिक भीड़ इकट्ठी ना हो। क्या अभी तक प्रकोप जो है वो खत्म नहीं हुआ है और सरकार के जो निर्देश हैं कि जो भी आपने ये इवेंट्स कंडक्ट करने हैं इसमें कोविड प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जाए, तो उसका भी हम पूरा ख्याल जो है जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल जारी किया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती जाए इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग तो की जाएगी, साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार मैदानी परीक्षा के दौरान मैदान में सीसीटीवी कैमरों को भी लगाया जाएगा। हमारे जहां कैंडिडेट एंटर करेगा और अपना फिजिकल टेस्ट देने के बाद वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो वीडियोग्राफी में कवर होगी। साथ ही साथ हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक जो 100 मीटर का इवेंट्स है उसको हायर एजुकेशन के जो रोज सगर टीवी है, सीसीटीवी है, वो भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कंट्रोल जो है या कोई डिस्क्रिपेंसी है वो ना आए और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहा है वो सेटिस्फाई होकर जाए।